मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के दिव्य वार्षिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली समेत तमाम संगठनों के पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आने वाले 25 सालों में उत्तराखंड राज्य देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य में से एक से होगा। मुख्यमंत्री ने डिप्लोमा इंजीनियर की 19 सूत्रीय मांगों को लेकर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन जल्द से जल्द समिति के गठन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, उत्तराखंड के डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की 19 सूत्रीय मांगों को लेकर विचार किया जाए और जो भी समस्या इंजीनियर महासंघ की है उसे दूर करने का काम किया जाए। साथ ही उन्होंने चार धाम यात्रा का भी जिक्र करते हुए कहा, आने वाले समय में उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में उत्तराखंड के इंजीनियर पूरी निष्ठा के साथ उत्तराखंड के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का ये 21वां सम्मेलन यहाँ पर आज संपन्न होने जा रहा है। उसमें निश्चित रूप से हमारे जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने उन सभी से अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ पर चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, यात्रा शुरू होने वाली है, उसमें उन सभी का योगदान अपने अपने डिपार्टमेंटों से जिस प्रकार का है, सभी लोग उत्तराखंड के नवनिर्माण में आगे आएँ और अपना योगदान दें। जो भी उनकी सेवा है उस सेवा का अच्छी तरह से हो, और जो उन्होंने सरकार से भी मांग की है निश्चित रूप से उसके लिए हमने एक समिति बनाने का भी निर्णय किया है। वो समिति सभी को सुनेगी और सुनने के बाद उसमें समाधान करेगी। सर,